पाकिस्तान की जमीन को अपना घर मानकर आतंक को पांव देने वाले मोस्ट वांटेड आतंकियों की कब्र भी अब पाकिस्तान में तैयार हो रही है। पिछले कुछ सालों में पड़ोसी मुल्क में एक एक कर भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। किसी की संदिग्ध मौत, कोई हादसे का शिकार तो कोई किसी बीमारी के बाद मौत की नींद सो रहा है। वहीं ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने दावा किया है कि पाकिस्तान में हो रही इन हत्याओं के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। रॉ पर सीधा कंट्रोल पीएम ऑफिस का है, इसीलिए इन हत्याओं का ऑर्डर पीएम मोदी दे रहे हैं। गार्डियन की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या को अंजाम दिया। 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशों में हत्याएं कराई गई थीं। पुलवामा हमले के बाद से अब तक करीब 20 आतंकियों को ढेर किया गया है और इस पूरे ऑपरेशन को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, खालिस्तानी आतंकियों की हत्या की साजिश रचने के पीछे भी भारत है। यूएई में बैठे भारतीय खुफिया स्लीपर सेल ने इस पूरे मिशन में अहम भूमिका निभाई है। 2023 में हत्याओं के बढ़ने का श्रेय स्लीपर सेल को दिया जा सकता है। पाकिस्तानी आतंकियों की हत्या कराने में स्थानीय लोगों ने मदद की और इस मदद के बदले इन लोगों को मोटी रकम भी मिली। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का विदेशी धरती पर मारे जाने का सिलसिला जैश ए मोहम्मद आतंकी जहूर मिस्त्री इब्राहिम की हत्या से शुरू हुआ था। इसके बाद 19 सितंबर 2022 को आईएसआई का कुख्यात गुर्गा मोहम्मद लाल नेपाल के काठमांडू में मारा गया। 19 नवंबर 2022 को आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में मौत के घाट उतर गया। 20 फरवरी 2023 को बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की रावलपिंडी में हत्या हुई। 27 फरवरी 2023 को सैयद खालिद रजा की कराची में हत्या कर दी गई। 4 मार्च 2023 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सईर नूर शोलाबार की हत्या हुई। 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान में मारा गया। 15 जून 2023 को अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन के अस्पताल में मृत पाया गया। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे में हत्या हुई। 5 अगस्त 2023 को मुल्ला सरदार हुसैन अरेन की पाकिस्तान में हत्या हो गई। 8 सितंबर 2023 को मोहम्मद रिजाई उर्फ अबू कासिम की गोली मारकर हत्या हो गई। 12 सितंबर को जियाऊर रहमान की पाकिस्तान में हत्या की खबर आई। 21 सितंबर 2023 को सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके की कनाडा में हत्या हुई। वहीं 30 सितंबर 2023 को मुफ्ती कैसर फारूकी की दिन दहाड़े हत्या हो गई। खबर के मुताबिक रॉ ने पुलवामा हमले के बाद विदेशों में छिपे दुश्मनों के खात्मे पर जोर देना शुरू किया था। पुलवामा हमले की वजह से भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे कि युद्ध की नौबत आ पड़ी। युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन आतंकियों को जरूर 2 गज जमीन का टुकड़ा नसीब हो गया।